डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट थर्मल एंड थर्मल ट्रांसफर प्रिंट ऑन बारकोड लेबल। दोस्तों जी हाँ, ये बहुत ही क्रिएटिव वीडियो है। हम सीधा बारकोड लेबल ले आते हैं, लेकिन बारकोड लेबल दो टाइप के आते हैं, प्रिंटर भी दो टाइप के आते हैं, एक डायरेक्ट थर्मल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और एक थर्मल ट्रांसफर। देखते हैं, ये देखो, ये डायरेक्ट थर्मल प्रिंटिंग ऑन लेबल है, इसके अंदर रिबिन नहीं लगता दोस्तों। ये डायरेक्ट हेड होता है, जो पेपर होता है वो केमिकल बेस होता है पेपर, उसको थर्मल पेपर बोलते हैं, थर्मल पेपर रोल, उसके ऊपर केमिकल रहता है। सीधा रोल डाल दिया प्रिंटर के अंदर कि थर्मल प्रिंट हेड से ही प्रिंट हो जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इजी होता है, जैसे थर्मल रिसिप्ट प्रिंट निकाल दिया वैसे ही ये प्रिंट निकल जाता है, बहुत सस्ता भी होता है। ये देखो, ये प्रिंटर है, ये थर्मल हेड है, और ये इस तरीके से सीधा प्रिंट निकल जाता है, रिबिन विबिन कुछ डालने का नहीं रहता है इसके अंदर। इसके थोड़े बहुत लिमिटेशन है दोस्तों, ये लेबल ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट थर्मल टेक्नोलॉजी से प्रिंट होता है, प्रिंट हेड से प्रिंट होता है, तो यहाँ पर रिबिन विबिन लगता नहीं है। ये देखो, ये हीट, हम यहाँ पर हीट ब्लोवर लगा रहे हैं, तो ये देखो कैसा ब्लैक हो रहा है, ऐसा हो जाता है। अब हम चलते हैं थर्मल ट्रांसफर प्रिंट ऑन लेबल। थर्मल ट्रांसफर के अंदर रिबिन आती है दोस्तों, जो वैक्स या रेजिन बेस आती है, तो रिबिन, ये देखो, ये प्रिंटर के अंदर हमने रिबिन दिखा दी, इस तरीके से रिबिन आएगा। ये रिबिन के ऊपर वैक्स या रेजिन होता है जो प्रिंट करता है, मैटर वही का वही रहता है, रोल भी चेंज हो जाता है। जो थर्मल रोल आते हैं वो अलग होते हैं, और थर्मल ट्रांसफर रोल जो आते हैं वो अलग होते हैं, इसके ऊपर केमिकल नहीं होता, प्लेन पेपर होता है। ये देखो, ये प्रिंट हो रहा है, ऊपर से रिबिन आगे जा रही है और रिबिन ऊपर वाइंड हो रही है, और रिबिन के ऊपर जो वैक्स रेजिन लगा हुआ है वो ये लेबल के ऊपर लगा हुआ है। ये बहुत ही ड्यूरेबल रहता है, इस टाइप का प्रिंटिंग लॉन्ग टाइम तक रहता है, हीट रेजिस्टेंस रहता है, फ्रिक्शन वगैरह सपोज लग दिया, रिटेल प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया, प्रोडक्ट उठाई रख दी, तो उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं करता। ये देखो, ये हम इसके ऊपर ये हीटिंग कर रहे हैं, हीट ब्लोअर लगाए, लेकिन लेबल वैसा का वैसा ही रहा। तो इस तरीके से दोस्तों, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर्स और डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर्स, ये दो अलग अलग होते हैं। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म लेबल प्रिंटिंग, और लॉन्ग टर्म के लिए हम थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर को यूज करते हैं दोस्तों। तो ये समरी है, ये देखो, ये दोनों प्रिंटर को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो है वो थर्मल ट्रांसफर है, इसके रोल भी अलग आते हैं, प्रिंटर भी अलग आता है, जिसके अंदर रिबिन डालने के लिए अलग से ब्लॉक होता है, और डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर के अंदर रिबिन डालने की कोई अरेंजमेंट होती नहीं, वहाँ डायरेक्ट प्रिंट हेड में से ही निकल जाता है। जैसे दूसरे रिसिप प्रिंटर होते हैं, वैसे ये डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर होता है, जिसके अंदर कि आपने ये लेबल रोल डाल दिया तो वो प्रिंट निकल जाता है दोस्तों। ये थोड़ा चीप भी पड़ता है, इसकी कॉस्टिंग कम आती है डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर की। तो ज़रूरत हो तो आप इस टाइप के छोटे एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत है होती है तो डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी एक बात बता देता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर के अंदर कभी भी आपको रिबन बेस बाद में प्रिंट निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर या लेफ्ट वाला प्रिंटर ये आपने लिया तो आप इसके अंदर रिबिन के बगैर डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर की तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर इस टाइप की अरेंजमेंट का वीडियो की लिंक भी हमने दी हुई है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।